उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान, 31 मार्च तक जनता कर्फ्यू जारी रहेगा। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। कानून का पालन ना करने वालों पर कार्रवाई की बात भी सीएम ने कही है। 31 मार्च तक उत्तराखंड में लॉकडाउन रहेगा, यानी कोई भी बाहर नहीं निकलेगा अपने घर से, दफ्तर सारे बंद रहेंगे और अगर कोई इसका पालन नहीं करता है तो सीएम ने कार्रवाई के भी संकेत दे दिए हैं। तो कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब ये बड़े फैसले तमाम राज्य सरकारों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। पहला राज्य राजस्थान जिसने लॉकडाउन किया 31 मार्च तक, और अब उत्तराखंड में भी एक कदम उठाया गया है। क्या कहा सीएम ने, सुनवाते हैं। राज्य में जो हमारी आवश्यक सेवाएं हैं, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, खाद्य संबंधी हो और अन्य जो भी हमारी आवश्यक सेवाएं हैं, वो उपलब्ध रहेंगी, दुकानें हमारी वो खुली रहेंगी ताकि जनता को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। जो जिलाधिकारी हमारे, उन सभी जिलाधिकारियों को जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने के लिए उनको अधिकृत कर दिया गया है। सभी प्रदेशवासियों से यह भी अनुरोध किया जाएगा कि वो अपने शहर को न छोड़ें, किसी मोहल्ले में रहते तो मोहल्ले को न छोड़ें, जो गांव के लोग हैं तो अपने गांव में रहें, वो गांव से बाहर जब बहुत ज़रूरी हो तभी गांव से बाहर निकलें। 15 दिन के लिए, आगामी 31 मार्च तक के लिए ये हमने निर्णय लिया है, उसका शासनादेश जारी कर दिया जाएगा अभी थोड़ी देर में। और मैं प्रदेशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास सबसे बड़ा अगर कोई समर्थ तरीका है कि हम कोरोना वायरस से निपट सकते हैं, उसे लड़ सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सार्वजनिक जो दूरी है वो हम बनाए रखें, जो सामाजिक दूरी है उसको हम बनाए रखें। यही सबसे बड़ा इसका बचाव है। राज्य में सभी जगह प्रशासन अलर्ट में है और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता ने जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी के आह्वान को स्वीकार किया, उनको अपना समर्थन दिया, अपने देश के बचाव के लिए, अपने राज्य के बचाव के लिए, अपने घर परिवार के बचाव के लिए, वो निश्चित रूप से सरकार का सहयोग करेंगे। जनता कर्फ्यू जारी रहेगा सभी जगह? निश्चित रूप से जो जनता कर्फ्यू आज लागू हुआ स्वेच्छा से पूरे देश में, अब हम पूरे राज्य में कर्फ्यू केवल आवश्यक सेवाओं के लिए खुला रहेगा, बाकी हम पूरे राज्य में अब ये लागू रहेगा। और सीधा रुख करेंगे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत राठी का, जिस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। अजीत, जैसा कि हम बातचीत में लगातार सुबह से कह ही रहे थे कि उत्तराखंड में कोई बड़े और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं, सीएम ने ऐलान कर दिया है 31 तारीख तक लॉकडाउन का। प्राची, देखिए सबसे पहले एक खबर एबीपी गंगा पर दिखाई गई थी कि कुछ ही देर में कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं और वो हुए भी, जैसा माना जा रहा था वैसा ही हुआ और मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया। अभी जैसे हाई प्रोफाइल एक बैठक चल रही थी जिसमें हमने अभी आपको बताया भी था कि चीफ सेक्रेटरी थे, हेल्थ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और सभी तमाम बड़े आला अफसर थे, तो उस बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में 31 मार्च तक ये जो जनता कर्फ्यू है जारी रहेगा। अभी इसको जनता कर्फ्यू का नाम दिया गया है और देहरादून जिले को लॉकडाउन कर दिया गया है और जिला अधिकारियों को असीमित अधिकार दे दिए गए हैं। अगर कोई किसी भी तरह की कोई कोताही बरतता है, कोई इनडिसिप्लिन करता है या कोई संगठन, कोई व्यक्ति इस तरह की आप प्रदेश के आदेशों की, प्रदेश सरकार के आदेशों की अवहेलना करता है तो नियम सम्मत कार्रवाई की जाए। तो मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि अगर यदि किसी को दिक्कत होगी तो जो आवश्यक वस्तु है, जो जरूरी चीज़ें हैं, जो जरूरी सेवाएं हैं, वो पब्लिक को मुहैया कराई जाएगी और जो आवश्यक सेवाओं के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वो खुले रहेंगे। और राज्य में आने वाली जो अंतर्राज्य ट्रांसपोर्टेशन था, जो बाहर से गाड़ियां, ट्रेन, हवाई जहाज़ या बसेज आ रही थी, उन सब पर रोक लगा दी गई है। जो डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं,
जो राज्य के भीतर चलती है, जो रोडवेज हो, चाहे टैक्सी हो, चाहे मैक्सी कैब हो, चाहे किसी यूनियन की बसेज हो, वो सब पर तत्काल प्रभाव से 31 मार्च तक रोक लगा दी गई है। मतलब ये आप इसको लॉकडाउन कह सकते हैं कि 31 मार्च तक उत्तराखंड को लॉकडाउन कर दिया गया है। ये एहतियात इसलिए लिए गए हैं कि ताकि, चूँकि चीज़ें दर मिनट बदल रही हैं और बिगड़ने के चांस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, एहतियातन ये कदम उठाया जा रहा है। तमाम सरकारें गंभीर हैं और उत्तराखंड में भी उसका ही असर देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अजीत, तमाम जानकारी के लिए।